ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना दिल्ली दौरे पर हैं। सतीश महाना कई बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और अब विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि विपक्षी दलों की जो भी शिकायतें हैं, विधानसभा में रहती हैं ये शिकायतें, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सुनिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने उन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपको राजनीति में एक लंबा करियर है आपका, लेकिन अब नई चुनौतियां हैं, किस तरह से देखते हैं? नई चुनौतियां नहीं, नई जिम्मेवारियां हैं, और मैं हर काम को एक प्लेजर वे के अंतर्गत एक प्रसन्नता के साथ काम करने का प्रयास करता हूं। मेरा हमेशा राजनीतिक जीवन में इस बात का प्रयास रहा है कि राजनीति जो शुचिता है वो बनी रहनी चाहिए, और जिसमें हम उस भाव के साथ काम करते हैं कि जिस पद के ऊपर हम बैठे हैं, हमने उसके उस पद के द्वारा निर्धारित जो विषय हैं उन्हीं को लेना चाहिए, उन सीमाओं के अंतर्गत काम करना चाहिए। तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर नामित किया, और भी मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि सभी राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं ने मुझे समर्थन दिया, तो मैं सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो मुझे नई जिम्मेवारी मिली है उसमें मेरा सदन के जो मेरी जिम्मेवारियाँ हैं मैं उनको पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष रखने का प्रयास करूंगा, ये हमेशा मैं। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें सर, तो क्या आपको लगता है कि चाहे भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करना विधानसभा अध्यक्ष के लिए एक चुनौती तो है? नहीं, चुनौती देखिए, विधानसभा एक ऐसा फोरम है जहाँ पर प्रदेश की जनता के हित की बात होती है। विधानसभा एक ऐसा फोरम है जिस जनता ने हमारे को जिस हेतु चुना है, हम उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, इसलिए बात होती है। मैं लोकतंत्र को पक्ष और प्रतिपक्ष को दोनों को मिलाकर संपूर्ण लोकतंत्र होता है, अगर एक भी पक्ष अगर कमज़ोर होता है तो लोकतंत्र पूरा नहीं होता। लेकिन हमारे को उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है जिसके कारण जनता ने हमारे को उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करना है। मैंने विधानसभा के अपने पहले स्पीच में इस बात को कहा था कि हमें इस बात को सोचना है कि जनता ने हमें क्यों चुना है, और जो हम बाहर कर सकते हैं वो हम विधानसभा में ना करें। विधानसभा के बाहर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा एक ऐसा फोरम है जिसको हमें समय बर्बाद ना करना पड़े केवल उन्हीं के ऊपर। स्वाभाविक है सरकार अपना पक्ष रखेगी और प्रतिपक्ष का काम है उसके प्रति अपने सुझाव दे, उसके ऊपर अपनी आपत्ति भी व्यक्त करे, मतभिन्नता भी हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।